मैं उनसे कर रहा था तसव्वुर में गुफ्तगू, दुनिया समझ रही थी कि दीवाना हो गया। कुछ ऐसी ही कहानी है मेहर बाबा की, जो अपने जीवन के 44 वर्षों तक मौन के परम आनंद में डूबे रहे। साक्षात प्रेम और करुणा के अवतार मेहर बाबा का जन्म फरवरी 25, 1894 को पुणे में ईरानी पारसी माता पिता के यहाँ हुआ था। उनका नाम मेरवान शेरियार ईरानी रखा गया। वह शेरियार ईरानी और शिरीन ईरानी के दूसरे बेटे थे। शेरियार ईरानी ने पुणे में बसने से पहले आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में वर्षों भटकते हुए बिताए थे। युवावस्था में ही मेहर बाबा ने कॉस्मोपॉलिट क्लब का गठन किया था, जिसका कार्य वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में जानकारी देना और चैरिटी के लिए धन एकत्रित करना था। वो कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। युवावस्था में वो एक कवि भी थे। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। मुख्य रूप से वो हाफिज, विलियम शेक्सपियर और पारसी विषय शैली की कविताओं के शौकीन थे। उनका कलात्मक रुझान बचपन में ही स्पष्ट था। जब वे 19 साल के थे, तब एक रहस्यमय ढंग से उनके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। 19 साल की उम्र में वो एक बुजुर्ग मुस्लिम संत से मिले थे, जिनका नाम हजरत बाबा जान था। जिस रास्ते से मेरवान ईरानी गुजरा करते थे, उसी रास्ते में एक नीम के पेड़ के नीचे हजरत बाबा जान रहा करती थी। हजरत बाबा जान हमेशा मेरवान ईरानी को उस रास्ते से साइकिल चलाकर गुजरते हुए देखा करती थी। कभी कभी मेरवान ईरानी हजरत बाबा जान के पास जाकर बैठा भी करते थे, लेकिन उनके बीच कोई ज़्यादा बात नहीं हुआ करती थी। एक रोज़ हजरत बाबा जान उन्हें अपने पास बुलाती हैं और मेरवान ईरानी मंत्रमुग्ध से खींचे चले जाते हैं। जब वे उनके पास पहुंचते हैं, तो बाबा जान मेरवान ईरानी के भ्रकुटी मध्य चूमती हैं। यही वो समय था जब मेरवान ईरानी, जिन्हें हम मेहर बाबा के नाम से जानते हैं, वो उस रहस्यमयी चुंबन से 9 महीने के लिए समाधि में चले जाते हैं। इस स्थिति को मेहर बाबा बाद में डिवाइन ब्लिस बताते हैं, जिसमें उन्हें इस बात का भाव भी खो जाता है कि वो चेतन रूप से शरीर से जुड़े हुए हैं। उनकी चेतना परमात्मा की अनंतता में विलय हो जाती है और शरीर के प्रति उनका होश लगभग नगण्य हो जाता है। और ये स्थिति काफ़ी विचित्र थी, क्योंकि वो अपने कमरे में गहरे मौन में पड़े रहते थे। वो अपने शरीर के प्रति भी उदासीन हो गए थे। उनके पिता शेरियार ईरानी आध्यात्म से जुड़े होने के कारण अपने बेटे की इस आध्यात्मिक स्थिति को अच्छी तरह समझ रहे थे, पर उनकी माँ शिरीन ईरानी को अपने बेटे को इस हालत में देखकर बड़ी फिक्र हो रही थी। 9 महीने की इस ब्लिसफुल स्टेट के बाद वो शिरणी के साईं बाबा से मिलते हैं। साईं बाबा उनकी परमानंद की स्थिति को तुरंत पहचान लेते हैं। साईं बाबा मेहर बाबा को देखते ही कहते हैं, आओ परवरदिगार। साईं बाबा उनसे विठोबा के मंदिर में जाकर दर्शन करने के लिए कहते हैं। विठोबा से उनका मतलब खांडोबा मंदिर से था। खांडोबा मंदिर में मेहर बाबा उपासनी महाराज से मिलते हैं। उपासनी महाराज उनकी इस स्थिति को समझते हैं और उनकी परम आनंद की अवस्था को शरीर की चेतना के साथ तादात्म्य बिठाने में मदद करते हैं। यहाँ उपासनी महाराज के आश्रम में मेहरा माँ की मुलाकात मेहर बाबा से होती है, जो अपने जीवन पर्यंत मेहर बाबा की सेवा उन्हें परमात्मा मान कर करती रहीं। मेहर बाबा भी मेहरा माँ को अपना डिवाइन हाफ कहा करते थे, पर मेहरा माँ के प्रति मेहर बाबा के निर्देश मुझे हैरान करते हैं। खैर, उस बात को अभी एक्सप्लेन करना सही नहीं रहेगा। इस बात के बारे में कभी आगे बात करेंगे। इधर हजरत बाबा जान ने भी एक भविष्यवाणी की थी कि मेरवान ईरानी आगे चलकर आध्यात्मिक गुरु बनेंगे। बाबा जान के इस रहस्यमयी चुंबन और इस भविष्यवाणी के बारे में गहराई से जानने के लिए कुछ बातों को समझना जरूरी है, जिससे कि ये कोई चमत्कारी घटना ना लगे। असल में हजरत बाबा जान ने अपने जीवन में गहरी आध्यात्मिक साधना की थी। वे एक हिंदू सदगुरु से मिली, जिसके द्वारा दी गई साधना पद्धति से उन्होंने 17 महीने तक
रावलपिंडी के नज़दीक एकांत में कठिन साधना की थी। इसके बाद वे मुल्तान जाती हैं और जब वे 37 वर्ष की थीं, वे एक मुस्लिम संत से मिलती हैं जिनके सानिध्य में बाबा जान संबोधि को उपलब्ध होती हैं। वे मेहर बाबा की ही तरह कई वर्षों तक अंतरलीन रहती हैं। उस समय हिंदू सदगुरु उनके शरीर के साथ तादात्म्य स्थापित करने में मदद करते हैं, जैसे बाद में उपासनी महाराज मेहर बाबा को मदद करते हैं। बाबा जान इसके बाद कई यात्राएं करते हुए पुणे पहुंचती हैं और नीम के पेड़ के नीचे अपना निवास बना लेती हैं। उनके भीतर संबोधि घटी थी, लेकिन उस परम आनंद को बांटने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। लोग उस नीम के पेड़ के नीचे उन्हें रहता देखकर उन्हें कोई पागल या जादूगरनी समझते थे, लेकिन मेहर बाबा के पिता शेरयार ईरानी उनके इस आध्यात्मिक तेज को समझते थे। अब चूंकि बाबा जान अपने अनुभवों को शब्दों से बांटने में अक्षम थी, तो वे मेहर बाबा पर एक सूफी विद्या बाराकाह का प्रयोग कर उनके माथे पे चुंबन करती हैं और उन्हें उसी तल पर पहुंचा देती हैं जिस तल पर वो स्वयं थीं। एक बात ध्यान रखें, बाराकाह विद्या के फलीभूत होने के लिए गहन पात्रता का होना आवश्यक है, और मेहर बाबा के अंदर उनके पूर्व जन्म की आध्यात्मिक यात्रा के कारण वो पात्रता थी। इस बात को बाबा जान भली भांति जानती थी, अन्यथा वे कभी मेहर बाबा के ऊपर उसका प्रयोग नहीं करती, क्योंकि बिना पात्रता के किसी भी व्यक्ति के विक्षिप्त हो जाने की पूर्ण संभावना थी। खुद मेहर बाबा अकस्मात हुई इस विद्या के प्रभाव से सन्निपात जैसी स्थिति में आ जाते हैं। आनंदातिरेक से वे अपने भीतर 9 महीने तक डूबे रहते हैं। 1922 में मेहर बाबा और उनकी मंडली अहमदनगर से कुछ मील की दूरी पर आश्रम बनाते हैं, जिसे उनके नाम पर मेहराबाद के नाम से जाना जाता है। ये उनके कार्य और सेवा का केंद्र था। मेहर बाबा मेहराबाद में एक स्कूल, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी बनवाते हैं, जो सभी जातियों के लिए निशुल्क उपलब्ध था। उनका सेवा भाव और प्रेम सभी के लिए एक जैसा था। वे जरूरतमंदों को उनके पैर धोकर कंबल वितरित किया करते थे। अपने लंबे समय के मौन में उन्होंने पहले चाक और स्लेट, फिर अल्फाबेट बोर्ड का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को बताने के लिए गेस्चर्स का भी उपयोग किया था। 1931 में अपनी इंग्लैंड यात्रा के दौरान वे महात्मा गांधी से भी मिले। वे दोनों SS राजपुताना शिप में मिले थे, जहां महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे। पश्चिम में मेहर बाबा कई सेलिब्रिटीज़ और आर्टिस्ट से भी मिले थे, जिनमें गैरी कूपर, बोरिस कार्लॉफ, चार्ल्स लॉटन, टॉम मिक्स, तल्लुलाह बैंकहेड शामिल थे। 1 जून 1932 को मैरी पिकफोर्ड और डगलस फेयरवैक्स जूनियर ने पिकफेयर में बाबा के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित किया, जिसमें उन्होंने हॉलीवुड के लिए एक संदेश दिया, जिसके बारे में बात करते हुए रॉबर्ट एस एल्बुट कहते हैं कि मेहर बाबा 30 के दशक के उमंग से भरे हुए लोगों में से एक हैं। 1934 में बाबा घोषणा करते हैं कि वो हॉलीवुड बॉल में अपना मौन तोड़ देंगे, लेकिन मस्तों के ढंग भी निराले होते हैं। बाबा अचानक अपनी योजना बदल देते हैं। वे बिना कोई स्पष्टीकरण दिए हांगकांग के लिए निकल जाते हैं। 1930 और 1940 के दशक में उन्होंने मस्तों, जिन्हें वो भगवान के नशे में मस्त मानते थे, उनके साथ बड़े पैमाने पर काम किया। बाबा के अनुसार ये व्यक्ति बाहर से तर्कहीन या पागल लग सकते थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक स्थिति ऊंची थी, और मस्तों से मिलकर अपने आध्यात्मिक कार्यों में उनकी सहायता लेते हुए बाबा ने उनकी आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने में मदद की। इनमें से सबसे प्रसिद्ध मस्तों में से एक मोहम्मद 2003 से अपनी मृत्यु तक मेहराबाद में मेहर बाबा के डेरे में रहे। 1950 में बाबा ने मेहर स्पिरिचुअल सेंटर के नाम से यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया में अपने सेंटर स्थापित किए। 1952 में कैलिफोर्निया में उनका एक गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उनका पैर बुरी तरह टूट जाता है। इलाज के बाद भी उन्हें चलने में काफ़ी पीड़ा का सामना करना पड़ता था। 1953 में
वो देहरादून में एक अल्फाबेटिकल बोर्ड का उपयोग करके अपनी बुक गॉड स्पीक्स और द थीम ऑफ क्रिएशन एंड इट्स पर्पज को निर्देशित करते हैं। 31 जनवरी 1969 को मेहरजाद स्थित उनके घर पर वह शरीर छोड़ देते हैं। उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग शामिल हुए, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से सैकड़ों लोग शामिल थे। 10 जुलाई 1925 से 1969 अपनी मृत्यु तक मेहर बाबा मौन में रहे थे। अपने मौन के संबंध में हाथों के इशारों से बात करते हुए उन्होंने बताया था, ईश्वर के वचनों को जीने में मनुष्य की असमर्थता अवतार की शिक्षा को मजाक बना देती है। उनके द्वारा सिखाई गई करुणा का अभ्यास करने के बजाय मनुष्य ने उनके नाम पर युद्ध छेड़ दिया है। मनुष्य ने विनम्रता, पवित्रता और अपने शब्दों की सच्चाई को जीने के बजाय घृणा, लालच और हिंसा को रास्ता दे दिया है। चूँकि मनुष्य अतीत में ईश्वर द्वारा निर्धारित सिद्धांतों और उपदेशों के प्रति बहरा रहा है, इस वर्तमान अवतारी रूप में मैं मौन धारण करता हूँ। मेहर बाबा कहते थे कि मनुष्य के जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपनी चेतना की दिव्यता को प्राप्त करना और ईश्वर की पूर्णता का एहसास करना है। बाबा जान के संदेश को 44 वर्षों तक मौन रहने के बावजूद उन्होंने विश्व के लाखों लोगों तक पहुंचाया। उनकी आँखों और उनकी मुस्कुराहट से करुणा और प्रेम का संदेश झलकता है। वे अपने मौन से सीधे हृदय को झंकृत करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।